हरिद्वार जिले के राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में इतिहास विभाग द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इतिहासकारों द्वारा 1857 की क्रांति और भारतीय स्वाभिमान की विवेचना कर गौरवशाली भारतीय इतिहास को छात्र छात्राओं के सामने रखा गया। वहीं दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य तीर्थ प्रकाश ने बताया है कि इस क्रांति के अनछुए पहलुओं पर चर्चा करके महाविद्यालय के प्रयास से लोगों को भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना है। वहीं आयोजित संगोष्ठी में विचार रखते हुए इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले हरिद्वार जनपद से रहे राजा विजय सिंह के पराक्रम का भी जिक्र किया गया। मंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, ये महाविद्यालय में जो दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्य विषय है 1857 की क्रांति, भारतीय स्वाभिमान का विवेचन। हम सभी जानते हैं कि कई बार हमने इस आंदोलन के बारे में, इस क्रांति के बारे में बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे अनछुए पहलू जो इस क्रांति से संबंधित रह गए हैं, महाविद्यालय का प्रयास है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन तक इस विषय की जो गंभीरता है वो पहुँचे, और वो अपने उन नायकों को, जो नायक अभी किसी साहित्य में या किताबों में स्थान नहीं पा पाए, उनके बारे में वो जाने, और एक प्रकार से भारत का जो गौरवान्वित इतिहास है जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, बच्चे भी अपने आप को स्वाभिमान के साथ महसूस करें कि हमारे जो नायक थे उन्होंने आज हमें इस स्थिति में पहुंचाया कि आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पा रहे हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है इंटेलेक्चुअल उसमें कि जो मौजूदा सरकारें होती हैं उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। नेचुरल है कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का साहस हर व्यक्ति में नहीं था, और अगर हर व्यक्ति में उस समय हो जाता तो आज़ादी हमें 100 साल पहले मिल जाती। तो आज हम ये प्रयास करते हैं कि जिन लोगों ने भी वो इतिहास लिखा है वो सरकारी प्रभाव में लिखा, सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय परिवेश में भी ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने स्वतंत्र आवाज़ उठाते हुए, अंग्रेजों के समक्ष उनका विरोध करते हुए भी भारत के इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया। अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या प्रिंट मीडिया के हैं, इन सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे बुलाव पे आप महाविद्यालय आए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। ये केवल एक उद्देश्य मात्र नहीं है, ये महाविद्यालय की तरफ से एक प्रयास है कि कैसे हम आज़ादी के उन वीर शहीदों को न्याय दिला सकें जो अभी तक गुमनामी के अंधेरे में हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन इतिहास उनको न्याय और स्थान नहीं दे पा रहा है, उन सभी को न्याय दिलाने के क्रम में। और दूसरा कि क्या ऐसे कारण रहे थे कि इतिहास वर्तमान में भी हमारे उन वीर सपूतों को न्याय नहीं दे पा रहा है, उसके कारणों का विवेचन करना है, उनको न्याय दिलाना है। इसके अलावा भारतीय पीढ़ी जो 1857 की क्रांति के बाद भी अभी भी स्वाभिमान के लिए जूझ रही है, उनके स्वाभिमान के वर्चस्व को कैसे हम बचाए रखें, उस दिशा में एक सफल प्रयास किया जा रहा है।